हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग एक मैसेज भेजेंगे, फिर सीखेंगे हम लोग मैसेज भेजना विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, मैसेज भेजने का तरीका एक ही जैसा होगा। आपको बस गेट रिक्वेस्ट के फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजना आना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से अवेलेबल तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। जैसे अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो तो जावा से भेज सकते हो, पाइथन यूज़ कर रहे हो तो पाइथन से भेज सकते हो, इवन आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग से भी मैसेज को भेज सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं मैसेज को भेजने के लिए और हम कैसे उन तरीकों को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि कोई भी मैसेज भेजने के लिए आपको डायरेक्ट कोई भी कोड फ्रॉम स्क्रैच नहीं लिखना होता है। क्योंकि मैसेज भेजते हैं तो वो कोई ना कोई आपका SMS प्रोवाइडर की हेल्प से वो मैसेज जाता है। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि मैसेज हम लोग भेजेंगे तो, बट ये मैसेज आएगा इस बंदे के थ्रू, मतलब एक थर्ड पार्टी कोई कंपनी होगी जो आपका मैसेज आपके रिसीवर तक पहुँचाएगी। आप डायरेक्ट मैसेज को नहीं भेज सकते हो। और इवन जो थर्ड पार्टी कोई भी कंपनी होगी जो जिसको हम लोग SMS गेटवे बोलते हैं, ये भी कंपनी किसी कंपनी को कांटेक्ट करती है। जैसे टेलीकॉम कंपनियाँ होती हैं, एयरटेल हो गया, तुम्हारा BSNL हो गया, ये सारी कंपनियों के थ्रू मैसेज को भेजती है। तो आपको क्या करना है, इस थर्ड पार्टी कंपनी को कांटेक्ट करना है कि भैया मेरा ये SMS है और मुझे भेजना है इसको इसको इसको। ये कंपनी क्या करेगी, तुरंत आप जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उसी इन्फॉर्मेशन से वो निकालेगी किसको भेजना है, क्या भेजना है, ये फटाक से मैसेज को डिलीवर कर दी। ये जो थर्ड कंपनी थी हमारा काम कर रही थी, इसको हम लोग बोलते हैं SMS गेटवे। और यहाँ पे बहुत सारी SMS गेटवे कंपनियाँ हैं, जैसे टेक्स्ट लोकल हो गया या फिर Fast2SMS है। तो फिर हम लोग ये सब यूज़ कर सकते हैं और हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि हमको कैसे यूज़ करना है थर्ड पार्टी का SMS गेटवे मैसेज को सेंड करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि कोडिंग स्क्रैच से नहीं करनी है। जो जिस कंपनी का भी आप SMS गेटवे यूज़ करोगे वो कंपनी आपको API देगी, दैट मीन्स हर एक लैंग्वेज का कोड देगी कि आपको कैसे भेजना है। उस कोड को बस आपको यूज़ करना है। अब वो फिर आप चाहे पाइथन यूज़ कर रहे हो, चाहे जावा यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो या कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जिस कंपनी का आप SMS गेटवे ले रहे होगे या फिर जिस कंपनी का SMS गेटवे यूज़ कर रहे होगे, वो कंपनी आपको बताएगी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे अपने सॉफ्टवेयर में उसको इंटीग्रेट करना है। तो अब वो फिर चाहे SMS गेटवे हो, इसी तरह एग्जैक्ट सेम पेमेंट गेटवे भी होता है। तो जब आप पेमेंट गेटवे, क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी कंपनी को पैसा पे करोगे तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी कोड देंगे, दैट मीन्स API देंगे, उसी API को हमें क्या करना होगा, कॉल करना होगा, दैट्स इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ओपन है दो कंपनियों के SMS गेटवे, एक है Fast2SMS.com। यहाँ पे जैसे ही हमने साइन अप कर लिया, सबसे पहले मैंने अपने email ID मोबाइल नंबर से साइन अप कर लिया और इस अकाउंट को वेरीफाई कर दिया। जैसे हमने वेरीफाई किया, क्योंकि कल मैंने साइन अप किया था तो मुझे यहाँ पे 20 रुपीज़ मिल गए थे, हमारे क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे, उसके बाद हमारे अकाउंट में हो गए थे। आज मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे 25 रुपीज़ थे। अब इन लोग का क्या ऐसा तरीका है, ये लोग कैसे क्रेडिट करते हैं, फ्री कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगर जाननी है तो Fast2SMS पे आइए, यहाँ पे इनकी डिटेल्स वगैरह पढ़नी है। फिलहाल मुझे यहाँ 25 रुपीज़ मिल गए थे और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैसेज भेज सकता हूँ। आप यहाँ नंबर लिखेंगे, यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे एक ID, सेंडर ID सेलेक्ट करनी होती है जिसके थ्रू मैसेज जाता है। तो सेंडर ID यहाँ पे एक फ्री इन्होंने दी है, Fast2SMS FST SMS, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये FST SMS के थ्रू ही मैसेज आएगा। जब वो मैसेज पढ़ेगा वहाँ पे, तो जहाँ पे नंबर लिखा होता है वहाँ पे FST SMS लिखा होगा और ये फ़ोन नंबर आपके इंटरनल मैसेज में दिखेगा, अंदर मैसेज दिखेगा। ये जो नंबर आप यहाँ पे दोगे ये अंदर दिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी भी ID, जैसे मैं यहाँ पे DK या दुर्गेश तिवारी यहाँ पे ऐड कर सकता था, या लर्न कोड विद दुर्गेश ऐड कर सकता था यहाँ पे, बट उसका आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये सारी चीज़ बताएंगे। अगर आप टर्म्स एग्री कर दोगे तो यहाँ पे देखिए, कस्टम सेंडर ID 6 मंथ के लिए 150 रुपीज़ में है, फॉर 1 ईयर इतने रुपीज़ में है, फॉर दिस 5 ईयर 500 रुपीज़ में है। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हो। फिलहाल में हम लोग देखेंगे इसके थ्रू कैसे हम लोग जावा को यूज़ करके मैसेज को भेज सकते हैं। और एक हमारे पास ओपन है यहाँ पे टेक्स्ट लोकल।
हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडमली गूगल पे सर्च कर दिया था फ्री एसएमएस गेटवेज, तो यहाँ पे ये सारे मुझे मिले थे। आप क्या कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो। बट जब मैंने इस पे साइन अप किया था तो मुझे 9 टेक्स्ट क्रेडिट मिली थी, जिसमें मैंने एक एसएमएस ऐसे ही यहाँ से अभी सेंड कर दिया था, तो मेरी एक क्रेडिट कट गई है। तो यहाँ पे एक एसएमएस की एक क्रेडिट ये लोग काटेंगे, दैट मीन्स ये लोग फ्री में सिर्फ 10 एसएमएस दिए थे मुझे। बट फास्ट टू एसएमएस में मुझे 25 रुपये मिले थे, मोस्टली 25 रुपये फ्री में मिले थे, मैंने कहीं से ऐड नहीं किया क्रेडिट। आप अगर ऐड क्रेडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रेडिट को ऐड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 25 रुपये हैं फास्ट टू एसएमएस में, और अगर मैं एक लोकल एसएमएस भेजता हूँ एक मैसेज, तो मुझे 20 पैसे का चार्ज देना पड़ता है। दैट मीन्स इसमें आपके पास कई सारे मैसेजेस मिलेंगे आपको मैसेज भेजने के लिए, 2, 4, 10 रुपये अगर आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हो। इसमें आपको क्रेडिट बाय करनी पड़ेगी, और बाय करेंगे तो ये बताएगा यहाँ पे सारी डिटेल्स, आप बाय कर लें। हम इस वीडियो में यूज़ करके दिखाएंगे फास्ट टू एसएमएस, और नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग टेक्स लोकल का भी यूज़ कर लेंगे, मुझे बेटर लगता है फास्ट टू एसएमएस। चलें यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम एक नॉर्मल मैसेज भेजने के लिए क्या करते हैं, प्रमोशनल मैसेज पे आएंगे और यहाँ पे सेंडर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे नंबर लिखेंगे। जैसे मैं सपोज कर लूँ 73, और मैं यहाँ पे कोई मैसेज लिख दे दूँ, मैसेज लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज मैसेज यूजिंग फास्ट टू एसएमएस sms.com, ये मैंने मैसेज लिखा। और यहाँ पे काउंटिंग भी चल रही है, दैट मीन्स अभी आपका मैसेज हुआ है 50 करेक्टर का, एक एसएमएस काउंट हुआ। अगर आप टाइप करते जाएंगे तो जैसे ही आप करेक्टर्स ज़्यादा होंगे ये क्या करेगा, दो मैसेज काउंट हो जाएगा, दैट मीन्स 40 पैसे चार्ज होगा। अगर मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दूँ तो ये मैसेज आपके सेंड कर देगा। ये देखिए कॉस्ट वगैरह भी बता रहा है, ये जाएगा मैसेज ऐसे FST SMS, और ये 20 पैसा चार्ज होगा। टोटल 50 करेक्टर्स हैं, टोटल SMS को सब कुछ बता रहा है। आप कंफर्म कर दीजिए, ये क्या करेगा मैसेज सेंड कर देगा, आपके फ़ोन पे मैसेज चला जाएगा, यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा, आप जाके डिलीवरी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर। बट ये तो नॉर्मल तरीका, हमें ऐसे मैसेज नहीं भेजना है। हमें क्या करना है, हमें अपने जावा के प्रोग्राम के थ्रू मैसेज भेजना था। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने जावा के लिए यहाँ पे ओपन की हुई है इक्लिप्स आईडी, और मैंने एक सिंपल सी क्लास बना ली है एसएमएस सेंड, और मैंने मेन मेथड बना लिया, और इसमें मैंने एक यहाँ पे मैसेज दे दिया प्रोग्राम स्टार्टेड। मैं राइट क्लिक करता हूँ, अगर प्रोग्राम को चलाता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम स्टार्टेड आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर मैं कोड करूँगा और देखूंगा कैसे हम लोग मैसेज भेज पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा फास्ट टू एसएमएस का मैसेज को भेजने के लिए। तो अगर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डेव API, दैट मीन्स डेवलपर API का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर्स API का, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एक की दिखेगी आपको, ये बहुत बड़ी की है, तो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, आप लोग याद नहीं रख सकते कि बहुत बड़ी की है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर सकता हूँ, अभी इसका यूज़ होगा तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। और हम लोग अपने प्रोग्राम में यहाँ पे आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग ऊपर, मेन मेथड में कोडिंग नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे बनाऊँगा पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और वॉइड में मैं लिखूँगा नाम सेंड SMS, और दो चीज़ मैं ले लूँगा यहाँ पे मैसेज और यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये जो मैसेज है वो सिर्फ एक ही लोगों को भेजना है, इसीलिए मैं स्ट्रिंग नंबर ले ले रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे नंबर्स पे मैसेज भेज सकते हो, यहाँ पे एक एरे भी ले सकते थे। तो बहुत सारे मैसेजेस आप, मैं दिखा दूंगा कैसे भेज सकूँ, यहाँ पे आप एरे ले लेते या एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट ले लेते। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, और स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको लिखना है सेंड SMS क्लास का नाम डॉट, और फिर आपको डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखना है सेंड SMS, सेंड SMS, और दो चीज़ देनी है मैसेज और नंबर। तो मैं ऐसे ही मैसेज लिख दूंगा अभी, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नंबर भी लिख दूंगा, दोनों स्ट्रिंग है। तो मैं मैसेज लिख देता हूँ दिस इज कस्टम या दिस इज मैसेज यूजिंग जावा कोड, और इसमें डेट मैं अपेंड कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा न्यू डेट, डेट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और टू लोकल स्ट्रिंग। तो और यहाँ पे नंबर में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप जिसका भी नंबर यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं उसको, उस वो वाला नंबर यूजर से भी ले सकते हो आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे 73 मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। अब क्या होगा, ये मैसेज यहाँ पे ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ क्या करता हूँ,
मैसेज को प्रिंट करके देख लेता हूँ क्या मैसेज आ रहा है, और मैं एक बार नंबर को भी प्रिंट करके देख लेता हूँ क्या नंबर यहाँ तक पहुँच रहा है। तो सिस आउट आप टाइप करेंगे सिस आउट, और यहाँ पे अपना नंबर भी प्रिंट करके देख लीजिए और प्रोग्राम चलाइए। देखिए ये दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही है, तो यहाँ पे देख पाएंगे दिस इज़ मैसेज यूजिंग जावा कोड, और डेट प्रिंट हो रही है ये यहाँ पे, और नंबर यहाँ से प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स हमको मैसेज मिल गया, नंबर मिल गया। अब हमें यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं हम लोग चलिए जानते हैं। हम लोग फर्स्ट टू SMS की डॉक्यूमेंटेशन API ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा टू रीड डॉक्यूमेंटेशन API, क्लिक हेयर। तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर कर दूंगा। अब हमें क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो थोड़ा सा मैं पहले जूम कर लेता हूँ। और यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑथेंटिकेशन की, इसको आप पढ़ सकते हो, एक्सपेक्ट द API की टू बी इंक्लूडेड इन दिस दिस दिस। यहाँ पे एक URL दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक URL दिया हुआ है, और इस URL में आपको बनाना, देखिए ऑथराइजेशन इज इक्वल टू योर API की। अगर आप यहाँ API की डाल दोगे तब जाके आपका URL बनेगा। तो मैं इसी रिक्वेस्ट, इसी URL पे गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा। जो रिक्वेस्ट होती हैं वो दो तरीके भेज सकते हैं मोस्टली, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है गेट और पोस्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसी URL पे गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा अपने जावा की हेल्प से, नेक्स्ट, और इसको मैं कुछ दे दूंगा पैरामीटर्स। ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये इस URL पे आप क्या कर सकते हो, वैलेट वैलेट निकालने के लिए कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए गेट मेथड है, गेट मेथड, और मैं क्या करूँगा इस URL पे भेजूंगा अपना रिक्वेस्ट, ठीक है, www.fast2sms.com/dev/bulk। इस वाले URL पे हमें करना है गेट का रिक्वेस्ट, तो हम गेट की रिक्वेस्ट करेंगे, और हमें कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स देने हैं। देखिए एक ऑथराइजेशन में हमें अपनी API की देनी है, सेंडर ID में हमें अपनी ID देनी है, अगर आपके पास ID नहीं तो यहाँ पे FST SMS दे देंगे, फिर मैसेज दे देंगे, लैंग्वेज दे देंगे, राउट दे देंगे, और नंबर्स दे देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं और URLs बनाते हैं जिसपे गेट रिक्वेस्ट भेजना है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे गेट रिक्वेस्ट कैसे भेजना है। तो मैं सबसे पहला एक वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ स्ट्रिंग API की इज इक्वल टू, और अपनी API की लाऊंगा, सब लोग अपनी अपनी API की जो साइन अप करोगे ये वाली API की कॉपी कर लोगे और यहाँ पे क्या कर लोगे, पेस्ट कर लोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पैरामीटर चूज करेंगे सेंडर ID। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग सेंडर ID, और अपनी ID FST SMS। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कहीं गलत तो नहीं है, FST SMS। उसके बाद हम अपना मैसेज बनाएंगे, तो मैसेज आपको ऑलरेडी मिल जाएगा यहाँ पे, इसको इनकोड करना बहुत ज़रूरी, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इनकोड करने का मतलब है बाय डिफॉल्ट अपना आपका जो मैसेज है वो भी प्लेन स्ट्रिंग है, बीच में स्पेसेस वगैरह हैं, तो इनकोड करेंगे हम, फॉर्मेट इसका कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा URL encoder.encode, और मैं दो चीज़ पास करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले अपना मैसेज, उसके बाद मैं यहाँ पे कैरेक्टर सेट पास कर दूंगा। तो मुझे करना है UTF-8, और मैं क्या करूँगा इस स्ट्रिंग को उठा के फिर से पहले यहाँ पे थोड़ा सही कर देते हैं, इस जो ये रिटर्न करेगा उसको मैसेज में फिर से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि क्या मैसेज इनकोड होने के बाद कैसा हमारा मैसेज। उसके बाद अगर कुछ एक्सेप्शन आएगी तो इन सब चीज़ को आप ट्राई कैच के अंदर रख दो, अदरवाइज एरर आ सकती है तो उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे एक्सेप्शन, और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग प्रिंट कर देते हैं जिससे हमें कोई मैसेज आए तो वो प्रिंट हो जाए। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं, देखते हैं कि जो हमारा मैसेज है वो इनकोड हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मैसेज है वो इनकोड हो गया, दिस के बीच में प्लस प्लस आ गया, और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें, ये हो गया हमारा फॉर्मेट, जिसकी हेल्प से अगर हमारे URL में हम ये वैल्यू रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिक्वेस्ट चली जाएगी सर्वर के पास। अगर आप ब्राउज़र पे डायरेक्ट कॉल कर रहे होते हो तो ब्राउज़र खुद से आपके URL को इनकोड कर देता है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करोगे, कोई भी ब्राउज़र पर रिक्वेस्ट भेजोगे, जैसे मैं google.com खोलता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे ओनली जावा टेक मैंने टाइप किया, तो देखिए ये जो चीज़ है वो इनकोडेड URL है। इसी तरह हम लोगों ने URL को यहाँ क्या किया है, इनकोड किया है। नेक्स्ट चीज़, अब हमारा मैसेज भी रेडी है और हमारा नंबर भी रेडी है, तो चार चीज़ें हमारे पास आ गई, API की, सेंडर ID, मैसेज। अब हमें एक चीज़ और बनानी है यहाँ पे,
लैंग्वेज, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग एक और बना लेता हूँ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में मैं लिखूंगा नॉर्मल इंग्लिश इंग्लिश। और उसके बाद देखिए यहाँ पे वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक राउट बनाऊंगा, और क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं प्रमोशनल मैसेज तो पी ले लेंगे, अगर ट्रांजेक्शनल मैसेज होगा तो टी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग राउट इज इक्वल टू, और फॉर प्रमोशनल मैसेज पी ले लेंगे। नेक्स्ट अब हमें नंबर्स लेने हैं, तो नंबर्स ऑलरेडी हमारे पास यहाँ आ जाएगा नंबर, क्योंकि सिंगल नंबर है तो हम नंबर वाले वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए कुछ वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक API की है, सेंडर ID है, और हमारे पास मैसेज है, लैंग्वेज है, राउट है और नंबर है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अपना URL बना लेंगे, जो URL हमें फायर करना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग URL, या ले लेते हैं माई URL इज इक्वल टू, और सबसे पहले यहाँ पे URL बनाना स्टार्ट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हम सबसे इनिशियल जो URL होगा वो हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इनिशियल URL कॉपी कर लेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा हेल्प लेना है तो आप यहाँ इसके बगल में जावा पे क्लिक करेंगे तो ये URL आ जाएगा, इस येल्लो कलर में जो लिखा हुआ है, ये URL हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ बल्क SMS, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर हमें लिखना है ऑथराइजेशन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑथराइजेशन। उसके बाद हमें लिखना है इक्वल टू, तो हम यहाँ पे इक्वल टू। उसके बाद हमें यहाँ पे लानी है योर API की, तो हम लोग API की कैसे लाएंगे, जावा में यहाँ पे वैल्यू लाने के लिए हम प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे API की वाला वेरिएबल, तो वहाँ पे इस स्ट्रिंग में API की आ गया होगा। उसके बाद हमें लगाना है एंड सेंडर ID इक्वल टू, तो हम फिर से इसको बंद करेंगे और लगाएंगे यहाँ एंड सेंडर _ID इक्वल टू, और हमें अपनी सेंडर ID तो प्लस लगाएंगे और सेंड ID लिख देंगे, दैट मीन्स हमारी सेंडर ID आ जाएगी। उसके बाद फिर से हमें एंड लगाना है और मैसेज इक्वल टू लिखना है, तो हम फिर से स्ट्रिंग लगाएंगे और लिखेंगे एंड मैसेज, स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे, इक्वल टू और अपना मैसेज, तो हम अपना मैसेज ले आएंगे। उसके बाद हमें फिर से मैसेज के बाद देखिए मैसेज इनकोडेड है, उसके बाद हमें लैंग्वेज लगाना है एग्जैक्ट ऐसा ही, तो हम क्या करेंगे यहाँ फिर से एंड लगाएंगे और लिखेंगे लैंग्वेज इज इक्वल टू, और फिर से हम अपना लैंग्वेज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद हमें राउट में भी लिखना है, हाँ राउट लिखना है, तो हम यहाँ पे एंड फिर से लगाएंगे और राउट लिखेंगे इक्वल टू, और फिर स्ट्रिंग को बंद करेंगे प्लस लगा के राउट वाला वेरिएबल। उसके बाद हमें नंबर लिखना है, तो हम फिर से एंड लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स, क्योंकि कई सारे नंबर कॉमा लगा लगा के आप दे सकते हो, तो नंबर्स इक्वल टू, और फिर स्ट्रिंग बंद करेंगे, और सिंगल नंबर है मेरे पास तो मैं एक ही नंबर लेता हूँ। और ये सब करने के बाद मैं एक बार URL को प्रिंट करके देखूंगा क्या हमारा URL एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिस आउट, और यहाँ पे माई URL को मैं प्रिंट करूँगा, और मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगा और URL को एक बार वेरीफाई करूँगा क्या हमारा URL एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट हो रहा है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे fastosms.com/dev/bulk-authorization, और हमारी की आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए एंड सेंडर ID आ गई, मैसेज में हमारा मैसेज आ गया, उसके बाद लैंग्वेज में इंग्लिश आ गया, राउट पी नंबर आ गया, परफेक्ट। और ये हमारा मैसेज बाद का प्रिंट हुआ है, इसका मतलब हमारा जो मैसेज बना है वो परफेक्ट बना है, ये मैसेज लास्ट में प्रिंट हुआ था, इसको मैसेज को हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस URL पे जो हमने बनाया है उस पर गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं कैसा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंडिंग गेट रिक्वेस्ट यूजिंग जावा। तो हमें कुछ क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले एक URL क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, तो URL क्लास URL इज इक्वल टू न्यू URL, और इसको मैं अपना URL दे दूंगा माई URL। उसके बाद हमें एक HTTP URL कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लूँगा और कॉन लिखूँगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम URL.open कनेक्शन कॉल करेंगे, और इस कनेक्शन को हम लोग टाइप कास्ट कर देंगे HTTP URL कनेक्शन में, तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा HTTP URL कनेक्शन का यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, URL कनेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग को सेट करनी होगी, कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी होगी, जैसे अगर हमें मेथड सेट करना है कि गेट के फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजनी कि पोस्ट के फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन डॉट सेट रिक्वेस्ट मेथड, और हम अपना मेथड यहाँ पास कर देंगे गेट,
आप पोस्ट लिख सकते हो, बट जो भी लिखो कैपिटल लेटर में लिखना होता है, स्मॉल लेटर्स में आपको नहीं लिखना होता है। उसके बाद हमें कुछ हेडर प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन डॉट सेट रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी, और सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी यूज़र डैश एजेंट, और हम एज अ मोजिला की तरह हम रिक्वेस्ट भेजेंगे मोजिला /5.0। एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर लेते हैं हम, कॉन डॉट सेट रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी, और हम यहाँ यूज़ कर लेंगे कैशे कंट्रोल, और कैशे कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नो कैशे कंट्रोल, हम लोग नो डैश कैसे यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए डायरेक्ट आप कॉल कर लीजिए कॉन डॉट गेट रेस्पॉन्स कोड, तो रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ से रेस्पॉन्स कोड हमें मिलेगा, और जो कि इंटीजर होगा। तो कोड का मतलब है कि यहाँ पे एक कोड आएगा, वो कोड हमें बताएगा कि क्या रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है, कि सर्वर एरर है, कि नॉट फाउंड है, जो आप पेज को एक्सेस करना चाहते हो। तो जैसे अगर 404 रिक्वेस्ट आई यहाँ पे, दैट मीन्स नॉट फाउंड, जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे थे URL का, वो URL नहीं मिला सर्वर पे। अगर 40 आई, दैट मीन्स इंटरनल कोई सर्वर एरर है, या सॉरी 500 अगर रिक्वेस्ट आई तो इंटरनल सर्वर एरर है, या इसी तरह अलग अलग कोड है। तो यहाँ पे कोड मिलेगा, उसके बाद हम कोड को प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम यहाँ पे लिख देते हैं रेस्पॉन्स कोड, रेस्पॉन्स कोड, और हम यहाँ पे कोड को क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो उधर का आउटपुट आएगा वो आउटपुट होगा कुछ इस तरह के फॉर्म में। यहाँ पे इन्होंने दिया है रेस्पॉन्स जेसन का फॉर्मेट होगा, और यहाँ पे देखिए मैसेज सेंड सक्सेसफुली आएगा यहाँ पे, और अगर ये प्रोपोर्शनल मैसेज होगा, और अगर ट्रांजेक्शनल मैसेज होगा तो कुछ इस तरह आउटपुट आएगा। तो आउटपुट को रीड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि वो नॉर्मल स्ट्रिंग होगी, तो मैं स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और लिखूंगा यहाँ रेस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, न्यू स्ट्रिंग बफर। और क्योंकि हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को रीड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक वाइल का लूप लगाते हैं और इसको ट्रू कर देते हैं। और मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग एक लाइन रीड करने की कोशिश करूँगा, कहाँ से रीड करना है इस चीज़ को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट, रीड करने के लिए br इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और इसको हमें इनपुट स्ट्रीम देनी है, तो मैं न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। अगर आप लोग ने बफर्ड रीडर से कंसोल से इनपुट लिया, तब भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्शन ओपन करेंगे, तो लिखेंगे कॉन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, तो ये एक स्ट्रीम दे देगा हमें जहाँ से हम चीज़ों को रीड पर कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा br डॉट रीड लाइन, तो सिंगल लाइन रीड होगी, और रीड रीड होगी तो मैं चेक कर लूँगा कि कहीं जो लाइन रीड हुई है वो नल तो नहीं है। अगर नल होगी, दैट मीन्स इसने कुछ गलत रीड कर लिया या रीड नहीं कर पाया, तो मैं लूप को क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। एल्स मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट अपेंड, और अपेंड में लाइन को अपेंड कर दूंगा। तो जैसे जैसे लूप चलता जाएगा, चीज़ें रीड होती जाएंगी, इस रेस्पॉन्स में चीज़ें अपेंड होती जाएंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, एस आउट से आप इस रेस्पॉन्स को प्रिंट कर देंगे, चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या हमें रेस्पॉन्स मिला, मैसेज सेंड हुआ कि नहीं सेंड हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम एक और मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं एस आउट, और एस आउट यहाँ पे लिख देते हैं वेट, जिससे हमें पता चले और हम लोग थोड़ा सा वेट करें। और अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं और समझा देता हूँ, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्टेड कॉल होगा, और ये मैसेज, ये वाला फंक्शन मतलब मेथड कॉल होगा मैसेज से और अपने नंबर से, और यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर होंगी, API की, सेंडर ID और लैंग्वेज, राउट, मैसेज नंबर मिल जाएगा। और फिर हम लोग URL बनाएंगे, और URL से हम गेट रिक्वेस्ट फायर करेंगे, इस URL को लेकर के हम लोग गेट रिक्वेस्ट फायर करेंगे। उसके लिए URL का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, HTTP कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जो हम निकालेंगे ओपन कनेक्शन की हेल्प से। मेथड सेंड करेंगे, प्रॉपर्टी सेंड करेंगे, प्रॉपर्टी मेथड सेट करेंगे, प्रॉपर्टी सेट करेंगे, एंड लास्ट चीज हम फायर कर देंगे रिक्वेस्ट यहाँ से गेट रेस्पॉन्स कोड। तो रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से कोड आएगा, और उसके बाद हम जो जो स्ट्रिंग आ रही होगी, हम लोग क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम की हेल्प से रीड करेंगे। तो हम रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, तो गेट यहाँ से गेट इनपुट स्ट्रीम निकालेंगे और इनपुट स्ट्रीम को दे देंगे, इनपुट स्ट्रीम बफर्ड रीडर को दे देंगे। तो हम br की हेल्प से एक एक लाइन रीड कर लेंगे और हम उसको प्रिंट कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं।
हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम स्टार्टेड वेट, दैट मीन्स रिक्वेस्ट जा रही होगी और देखिए रिस्पॉन्स कोड 200, 200 का मतलब होता है ओके, ओके हुआ, देखिए मैसेज भी आ गया और यहाँ पे देखिए रिटर्न ट्रू रिक्वेस्ट आईडी मैसेज, मैसेज सेंड सक्सेसफुली नॉन डीएनडी नंबर्स, दैट मीन्स नॉन डीएनडी, ये देखिए एग्जैक्टली यही आया और मैसेज हमारा सेंड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डायनेमिक कर सकते हैं, डायनेमिक इन द सेंस अभी ये मैसेज और ये नंबर आ रहा है नॉर्मल, हम लोग डायरेक्ट ले लिया, इसको मैं यूज़र से इनपुट भी करा सकता हूँ स्कैनर की हेल्प से। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि हम लोग कैसे जावा को यूज़ करके और फास्टो SMS की API को यूज़ करके कैसे मैसेज भेज पाएंगे जावा प्रोग्राम में। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, फास्टो SMS मुझे तो लगता है बेस्ट है, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, क्योंकि क्रेडिट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको और बल्क SMS भी बहुत आसानी से भेज सकते हो। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें SMS सेंड करने की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हो, फास्टो SMS यूज़ कर सकते हो और यूज़ करना भी देखिए बहुत इजी सिंपल। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है और अगर मुझे किसी को देना भी होगा फास्टो SMS के लिए तो मैं क्या करूँगा, इस वाली फाइल का एक जार फाइल बनाऊँगा और मैं क्या कहूँगा, आप सब लोग भाई सेंड SMS कॉल कर लो और उसमें मैसेज दे दो और आप क्या दे दो, सिर्फ नंबर दे दो और डायरेक्टली आपका यूज़ हो जाएगा और जार फाइल में ये फंक्शन पड़ा रहेगा और कॉल हो सकता है। तो मैं आप लोग के लिए जार फाइल बना सकता हूँ, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन बनाइएगा, मैं यही वाला जो प्रोग्राम है उसका जार फाइल बना दूंगा। आपको करना क्या होगा, सिर्फ ऐड करना होगा जार फाइल अपने लाइब्रेरी में और सेंड SMS को कॉल करना होगा फ्रेंड, और आपको दो चीज़ देनी होगी, नंबर और ये, और उसके अलावा आपको अगर मैं जार फाइल बनाऊंगा तो एक दो चीज़ और ले लूँगा, जैसे ये API की हमारी है, हमने डायरेक्ट रख दिया तो मैं यहाँ कॉमा लगा के एक API की भी ले लूँगा। उसके बाद सेंडर ID भी आप लोग अपना यूज़ करना चाह रहे हो तो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स ले लूँगा। तो जो भी आप चेंज कर सकते हो डायनेमिक, उस चीज़ को मैं यहाँ पे पैरामीटर्स में ले लूँगा और आप लोग यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर दीजिएगा, अपने आप से क्या होगा ये सारी चीज़ें खुद से कॉल हो जाएंगी, आपको बार बार लिखना नहीं होगा, वैल्यूज़ अपने आप आ जाएंगी, कॉल हो जाएंगी। और मैं क्या करूँगा, जो स्ट्रिंग यहाँ आ रही थी उसको मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, रिटर्न करा दूँगा, तो ये स्ट्रिंग आपको यहाँ पे मिल भी जाएगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्री में मैसेजेस को सेंड करिए। अब 25 क्रेडिट्स मिला है तो आप उसका यूज़ करिए अपने प्रोग्राम में और भी क्रेडिट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।